नमस्कार मेरे योगी भाइयों। कई बार योगी भाई फंस जाते हैं, लेट हो जाते हैं नौकरी से आते हुए, व्यापार से, तो तेज भूख लगती है। उस दिन मान लो नौकरानी नहीं आई या मैडम की तबीयत खराब है, तो एकदम कुछ नहीं होता घर में, तो गलत सामान खाने से उनका वजन तेजी से बढ़ता है। तो योगी भाइयों ये वीडियो लेके आए हैं कि अचानक अगर आपको कोई तैयारी करनी पड़े, कुछ खाने की इच्छा हो या थक गए टीवी देखने की इच्छा है, तो क्या चीज खाएं जिससे आपका वजन तेजी से ना बढ़े। आपको ये सारी जानकारी देंगी हमारे ही सहयोगी रूबी जी। रूबी जी आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। क्या बताना चाहेंगी इमरजेंसी के लिए, क्या खाएं, क्या गलत है, क्या सही है, योगी भाइयों को बताइए। नमस्कार बहन भाइयों। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए बाबा जी ने आटा नूडल्स निकाल दिए हैं। अच्छा, ये सबसे बढ़िया नूडल आटे की है, ये हाँ इसमें मैदा नहीं है। हाँ जी, बनाने की विधि इसमें आराम से लिखी हुई है, कोई भी पढ़ के आराम से बना सकता है। देखिए लिखी हुई पर खाने में सुना मैगी ज्यादा अच्छी लगती है जी। अच्छे को तो पता नहीं क्या, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है, छोले भटूरे भी अच्छे लगते हैं, पर खाने तो नहीं है ना। अच्छा समझ गया ना, खाओगे तो हेल्दी। ठीक है जी, वो पानी डाल के बना लोगे तो आसान है जी। अब दूसरा है, ये बना सकते हो आप MTR के 3 मिनट्स के। क्या चीज है जी ये? इसको पोहा बोलते हैं। अच्छा, मैं घर में खाना नहीं है या कोरोना के डर से बाहर से भी नहीं मंगाना। हाँ। तो योगी भाई लोगों, आप ये योगी भाइयों बहनों, इमरजेंसी के लिए हल्का खाना, ऑयल फ्री, ऑयल फ्री कम, बहुत कम ऑयल में। इसमें लिखा हुआ है कि 45 ml आपको बॉइलिंग वाटर यूज करना है। थोड़ा सा बिल्कुल चुन्नू सा, थोड़ा सा, 50 50 मान लो, 50 50 ग्राम कितना होता है? तो देखिए मैं थोड़ा आपको सा होता है, बना के बता देती हूं। अच्छा मैम, उसके साथ जैसे थके टीवी देखने को आता है, तो ये क्या है, ये भी ठीक है? हाँ स्वीट, ये भून लो। हाँ तो ये आप कुकर में डाल के दिखा दीजिए कैसे भूनती है, साथ में बातचीत भी चलती रहेगी। जैसे आपको टीवी देखना है तो टीवी के सामने आपको कभी चिप्स नहीं खाने हैं, पहले तो कसम खाओ कि माँ बाप की कसम टीवी के सामने कुछ नहीं खाएंगे, तो फिर भी मन भी है टीवी के सामने खाने का। तो ये आप एक, इसमें 5 6 तरह की आती है, सबसे कम तेल वाली लेनी है आपको। कौन सी लेनी है? सबसे कम तेल वाली। इसको लेके इसको डाल के बस इसे रखा आपने, इसे ढक के तुरंत बन जाएंगी। ये देखिए इसमें म्यूजिक शुरू हो जाएगा। तो ये आपको लेना है बिल्कुल कम ऑयल में। इसमें एक बटर वाली आती है, वो नहीं लेनी योगी भाइयों। अच्छा मैडम दूसरा भी बताइए, अब ये क्या चीज है? ऐसा पैकेट खोल लीजिए आप। ये क्या बना रहे हैं आप? जल्दी बना रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर आपकी भूख शांत कर देगा। अच्छा 3 मिनट में दुकानदार भी नहीं देता खाना। अच्छा, तो देखिए पोहा है। हाँ। मैडम आगे रख लो पोहा। ये लीजिए पोहा, हमने यहाँ रख लिया। मैं 2 पैकेट खोल के दिखा रही हूँ आपको, है ना, सस्ता और बढ़िया और कम टाइम में, कम आपस में। ये आप घर पे लाके रखे तो बेटर है। देखिए पॉपकॉर्न भी बन रहे हैं। अब ये हमने 2 पैकेट खोल के डाल दिए इसमें आराम से। अब इसके अंदर सब कुछ है और सब कुछ ऑयल फ्री है। देखिए मूंगफली भी है, पीनट्स वगैरह भी है। ये ऑयल फ्री खाना है, गुड फॉर हेल्थ इमरजेंसी में। जैसे आप टूर में जा रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, योगी भाई लोग कहीं भी जा रहे हैं, तो पानी आपको गर्म कर लेना है। आप थर्मोस में भर के ले जाएं गर्म पानी। चलो ये तो हम घर पे था गर्म कर लिया, तो आपको गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी तो आप थर्मोस में भर के लेके जाएं। देखिए मेरे एक में 45 यानी कि 1 ग्लास 300 ग्राम का होता है, तो 1/3 ग्लास डाल देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए हमने ये पानी ले लिया, अब हम इसको डाल देंगे। हाँ जी, बस मतलब डुबोना ही है, डूब जाए तो अपने आप फूल जाएगा जी। अभी अपने आप फूल जाएगा और हाँ। ये आपका 3 मिनट के लिए रख दो इसको ढक के, ढक दो और ये आपके पोहे, बढ़िया पोहे तैयार हो जाएंगे। ये पानी पी जाएंगे, पानी सोख लेंगे आपके। जो तैयार हुए, जब दूसरे आइटम बताइए क्या है। अब ऐसे ये आपको मोटापा कम करने के लिए और इमरजेंसी के लिए, ये आपको आइटमों का ध्यान रखना है। इमरजेंसी के लिए आपको इन आइटमों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए जी, अब ऐसे ही ये वेजिटेबल उपमा है, ये भी बहुत ही सिंपल बनता है। 2 मिनट में तैयार होता है। देखो यहाँ इसकी विधि दे रखी है। इसमें डबल पानी चाहिए, इसमें 100 ml पानी चाहिए। इसको भी 3 मिनट के लिए रख देना है। इसका मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ बनाने का। देखिए हमने पैकेट खोल लिया। ये वो खाने हैं जो आपके वेट को भी नहीं बढ़ने देंगे और आपकी भूख को भी शांत कर देंगे इमरजेंसी में। पानी आप पहले से भून के आता पीछे से, और इसमें सारी सब्जियां डली हुई हैं। सब्जी ऑलरेडी इसमें डली हुई है। ये हम किसी कंपनी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, हम तो आपको तरीके बता रहे हैं। वैसे MTR देश की आर्मी को माल सप्लाई करती है, जो दूर दूर पहाड़ों में, बहुत ऊंची जगहों में, लद्दाख में,
उनके लिए एक स्पेशल खाना ऑर्गेनाइज करती है, जिन जगहों पे खाना नहीं मिलता तो वहां भी ये खाने का इंतजाम करती है। तो ये पानी डाल दीजिए इसमें जी। देखिए इसे भिगो के रख दीजिए। जैसे मार्केट में नहीं मिलता उपमा, बिल्कुल सेम वैसा उपमा बन जाएगा, सारा पानी सोख लेगा। ऑयल कम है इसमें, बहुत कम ऑयल है। देखिए ये पहले से हल्का था, भुना हुआ है, ऑयल कम है। ये पूरा फुल ढक बंद कर दीजिए और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पानी अब थर्मोस में लेके जैसे आपको मान लो मजबूरी में भूख लगी है मैगी खानी तो आटे की खानी है, मैदे की नहीं खानी। ये चंपचगनी पता नहीं क्या नाम है इनका, चिंग चौंग नहीं लेनी है। ये रामदेव जी वाली, बाबा वाली हमारी बहुत अच्छी है जी, श्री बाबा रामदेव जी वाली, वो लेनी है। इसमें आटा है, ये गुड फॉर हेल्थ है, पर ये भी इमरजेंसी में खानी है कभी कभी, महीने में एक बार। और ऐसे ही आप हेल्दी चीजें खाएं इमरजेंसी के लिए। मैं बता रहा हूँ कि जब मजबूरी हो, जैसे ये वाले पॉपकॉर्न इसमें बटर वाले आते हैं, बटर वाले कभी नहीं लेने। और नमक कोशिश करें, नमक का उपयोग बिल्कुल ना करें। जब आप योग कराम जाए तब भी नमक का ना करें, खाना है तो सेंधा नमक, रॉक साल्ट। तो भाइयों ऐसे ही प्यार बनाए रखें मेरे योगी भाइयों। और हाँ जी, ऐसे पॉपकॉर्न बन गया आपके नाम से, खाओ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।